Okay. Yes, guys. जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सबनम दिए, सबनम कहाँ है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में किसी और के, कहाँ हो तुम। चलिए, वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। ठीक है, आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। चलिए चलो जल्दी से एक बार सब लोगों के आने के लिए इंतजार कर रहा हूं। चलो चलो जल्दी से आ जाओ। वेटिंग। चलो 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 चलो। ओके, एम आई ऑडियो वीडियो इज क्लियर? एम आई ऑडियो वीडियो इज क्लियर? क्या बोल रहा हूं मैं भी? चलिए सरकार, एक सेकेंड रुकेंगे मैक्सिमम। चलो, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे। सर वैसे आप खुश क्यों हो? आज खुश बहुत हूं मैं, ठीक है, क्योंकि पिछले महीनों से मैं जिस चीज के लिए एफर्ट्स पुश कर रहा था, पिछले न जाने कितने समय से, यू नो लाइक आई वॉज जस्ट पुशिंग फॉर समथिंग, यू नो लाइक समटाइम्स आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो और जब वो चीज़ मिल जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। आज एग्जैक्टली वही फीलिंग है मेरी, आज एग्जैक्टली 100% वही फीलिंग है मेरी, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइस। एक सेकेंड रुकूंगा, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइस। ठीक है, लेवरेज में फ्राइडे को ले लूंगा बेटा, लेवरेज में फ्राइडे को ले लूंगा। सो हियर इज ऑफिशियली फर्स्ट, अभी तुम कवर ओवर को मत देखो, कवर ओवर नहीं आया अभी तक, ठीक है, कवर पेज वगैरह अभी तक पेंडिंग है, इसीलिए अभी तक मैंने इसका लॉन्च नहीं किया है, ठीक है, वरना अभी मेरे सारे सोशल मीडियाज पे ये किताब राज कर रही होती, लेकिन अभी ये मेरे दिल में राज कर रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑफिशियली फर्स्ट कॉपी, अभी जस्ट मैंने निकाली। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू विद ऑल द कलर्स आर गोइंग गुड और नॉट, ऑल दो इसके अंदर नेक्स्ट एडिशन तो अभी बहुत बाद में आएगा, बट क्योंकि हमने फर्स्ट एडिशन में सब कुछ डाल दिया है, सो आप देख सकते हो कि एंटायर बुक इज रेडी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कॉपी, फर्स्ट वर्जन ऑफ द बुक, एंड लॉट ऑफ वर्जन्स आर गोइंग टू बी देयर, आई कैन जस्ट से दिस थिंग, लॉट्स ऑफ वर्जन्स, लेकिन अभी तो ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि यार हम, आई वॉज ऑन विच थिंग, यू नो लाइक आई वॉज वर्किंग ऑन, तो ये आपके सामने है, ये इसका फ्रंट पेज बहुत खराब दिखता है, पता नहीं क्यों, जबकि एक्चुअल फ्रंट पेज अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये मेरे सिस्टम की प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर अपन आए, ओहो ऐसा क्यों हो रहा है, ये काट के क्यों दिखा रहा है, ठीक है एक सेकेंड रुक जाओ, मैं अगर इसको छोटा कर रहा हूँ तब क्या हो रहा है, अरे छोटू, ठीक है एक सेकेंड गाइस, आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो लाइक शो यू ऑल दैट हाउ इट इज गोइंग थ्रू, बट ये तो चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, जस्ट एक सेकेंड रुक जाओ, जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस। ठीक है, क्योंकि मैं सुपर एक्साइटेड था, आई वॉज वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मैंने शायद तुम लोगों को बताया भी था पहले, मैंने शायद तुम लोगों को पहले बताया भी था कि यार गाइज आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग्स, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशूज चल ही रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं चल ही रही थी, बट फाइनली द एंटायर बुक इज रेडी। ठीक है, फाइनली द एंटायर बुक इज रेडी। ओके, मैं काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है चलो एक सेकेंड दे दो बस मुझे लास्ट, अरे छोटू, ठीक है जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके चलिए, वैसे बुक, अरे एक सेकंड, बहुत ही फटी हुई दिख रही है ना इसके अंदर, ऐसे तो, हाँ ऐसे दिखा दूँ क्या? हाँ सर ऐसे दिखा दो, ठीक है कम से कम अच्छे से बुक तो दिखेगी तुम लोगों को। सो हियर इज द, फाइनली द बुक इज फॉर यू, ठीक है एफएम के लेक्चर में, यस गाइस, तो फाइनली ये पूरी बुक है, सो दिस इज सेक्शन बी ऑफ मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द एंटायर एसएम की चैट बुक रेडी है, चार्ट बुक रेडी है, ऐसी ही चार्ट बुक एफएम की भी बनने वाली है, शायद
जैसे बहुत सारे लोगों ने कहा था सर क्या हमारे अटेम्प्ट से पहले बन जाएगी, मैंने कहा था यस आप लोगों के अटेम्प्ट से बन जाएगी, और मैं आपको बताते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यस बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही एफएम की भी चार्ट बुक लेकर आने वाला हूँ। सर एफएम की चार्ट बुक में क्या होने वाला है? एफएम की चार्ट बुक में थ्योरीज होने वाली है, सारे के सारे फॉर्मेट्स होने वाले हैं, सारे के सारे फॉर्मुलेज होने वाले, मतलब शानदार मजा आने वाला है, आप देख सकते हो। सो पूरे के पूरी चार्ट बुक जो है 32 पेजेस के अंदर हम लोगों ने खत्म कर दिया, आप देख सकते हो, इंक्लूडिंग इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर मिला के हमने 32 पेज के अंदर पूरी खत्म कर दी है। स्टिल इट इज दी मोस्ट यू नो लाइक मैं आपको बता सकता हूँ कि यार ये बहुत ही एकदम इनडेप्थ कंटेंट इसके अंदर डला हुआ है। आप एक सेकेंड में आके सर देख सकते हो, ठीक है सर, आप एक सेकेंड आके देख सकते हो, ये है चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप देखोगे तो सर अपन ने मैनेजमेंट स्ट्रेटजी हर कंसेप्ट को यहाँ पर लिया है, छोटे से छोटा बड़े से बड़े कंसेप्ट को यहाँ पर लिया गया है। आपका मिशन क्या होता है, आपका गोल्स क्या होता है, आपके वैल्यू सिस्टम्स क्या होते हैं, आपका विजन क्या होता है, स्ट्रेटजिक इंटेंट क्या होता है, सारी की सारी चीजें ली गई है। स्ट्रेटजिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, नेटवर्क क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ये सब पढ़ाने के बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जो अपन ने सबसे पहले किया था। दैट वॉज आर यस 32 पेज में 50 मार्क्स, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि इसके अंदर एंटायर थिंग इज कवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा था तो इसको थोड़ा सा ज्यादा हमें समय देना पड़ा था। हर चीज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, आपका हर स्टेज को यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड के साथ, हर एक चीज के अंदर मैंने इसके अंदर देखे रखा है, आप लोग शायद देख पा रहे होगे, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ूंगा तो भैया अपन ने जो भैया 5 फोर्स मॉडल्स थे उसके बारे में डिस्कस किया है हर चीज, और इसके ऊपर अभी मजे के बताने वाला हूँ, एक्सपीरियंस कर्व, वैल्यू क्रिएशन, ठीक है, मार्केट, कस्टमर एनालिसिस, सब कुछ, कस्टमर बिहेवियर, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, सब कुछ देने के बाद ये चैप्टर खत्म होता है। एंड फिर हम आते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट के ऊपर, कि भैया स्टेक होल्डर कौन होते हैं, ये देखो मेंडलोस जो मैट्रिक्स था उसके बारे में प्रॉपर कलर के साथ दिया गया है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर क्या होते हैं, इंडस्ट्री कैसी होती है, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल्स, हर एक चीज को बारीकी के साथ लिया गया है। 3 एरियाज, अपना कोर कॉम्पिटेंसी को बताया है, स्वॉट, स्वॉट को भी जब लिया था प्रॉपर हेल्पफुल, हार्मफुल, इंटरनल, एक्सटर्नल, हर चीज को दिखाया गया, ताकि एग्जाम समय के पहले आपको ये नहीं सोचना पड़े कि भैया कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। देखो भैया फिर अपन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज पढ़ेंगे, तब भी आपके 4 चीजें होती है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस, डिफरेंशिएशन फोकस, हर चीज को यहाँ पर उसके अंदर लिया गया है, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, हर चीज। फिर यहाँ पर देख लो बेटा आगे, लो कॉस्ट, डिफरेंशिएशन, कौन सी चीज कहाँ पर कितनी काम की होती है। फिर यहाँ पर आके हमारा स्ट्रेटेजिक चॉइस जो है वो आगे बढ़ता है, स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर अपन आगे बढ़े एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो अपन हर एक चीज की बात कर रहे हैं, सर कैसे हुआ, एक्सपांशन कैसे करना है हमें, मर्जर क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलाइंस क्या होता है, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन, हर चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ओ भाई यहां पर देखो, क्वेश्चन मार्क्स, डॉग्स, कैश काउ, स्टार्स, हर चीज भाई साहब, आप देख सकते हो, बिजनेस स्ट्रेंथ, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, सब कुछ प्रॉपरली लिया गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा तो आप याद कर पाओगे कि यहाँ पे सब कुछ लिया गया है। फिर आते हैं अपन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन के ऊपर, कि सब सब कुछ कर लिया, आप इवेल्युएट करते हैं, तो भैया स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ऑपरेटिव प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, हर एक चीज को, रिलेशनशिप बिटवीन, ये देखो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, वीक, एक्सीलेंट, फ्लॉट, साउंड, हर चीज को इसके अंदर लिया गया है। चेंज इन मैनेजमेंट, मतलब भैया हाउ डज मैनेजमेंट वर्क, क्या होता है, कैसे करता है, कैंडल स्ट्रेटजी, रिलेशनशिप क्या थी, हर चीज को बारी के साथ, व्हाट इज एसबी, व्हाट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, भैया वाइडेस्ट एट बॉटम, नैरो क्या होता है, सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या क्या काउंट होता है, हर चीज को बारीकी के साथ लिया गया है। आप देख सकते हो भैया यहाँ पर कितना सर्वेलेंस होता है, प्रीमाइसिस कंट्रोल, हर चीज, मतलब भैया डेटा अवेलेबिलिटी, रिलेवेंस, सारी की सारी की सारी की सारी चीजों को हमने इसके अंदर काउंट किया है, ठीक है, सारी की सारी चीजों को हमने इसके अंदर काउंट किया है, आप लोगों के समक्ष दिखाया है आज मैंने पहली बार। एंड आई एम फीलिंग सुपर डुपर डुपर हैप्पी, बिकॉज ये एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर मैं बहुत टाइम से काम कर रहा था। मुझे जितना याद है मैंने बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी किया था कि कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ आने वाला है,
बट मैं बता नहीं पा रहा था कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, बट फाइनली आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विथ यू गाइस कि यार आई वॉज एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस नोट्स, जिस नोट्स ने एक्चुअली ना मेरी आधी जिंदगी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था इस नोट्स के लिए। ठीक है, तो फाइनली ये नोट्स आ चुके हैं और आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी एक जगह मैं ऐसा भी कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास इसकी वो भी रहेगी, ठीक है, हार्ड बुक्स भी रहेगी, उसका भी अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया जा रहा है। सारे के सारे अरेंजमेंट चालू हैं एंड ये आप लोगों को मिलने वाले हैं। चलिए गाइस शुरू करें। सो आर वी गाइस गुड टू गो? अब इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़े। देखो सुनो, मैंने अपना समय, अपनी एनर्जी, अपने आप को कहाँ इन्वेस्ट किया मैंने आपको बता दिया भाई, मैंने आपको बता दिया कि देखो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसे प्लान करता हूँ। तो मैं ऐसी चीजें प्लान कर रहा हूँ जो आप लोगों को लेकर हेल्प करेगी। ठीक है, मैंने आप लोगों का दिखा दिया कि सर देखो मैं अपनी स्ट्रेटजी, मैं अपना टाइम, मैं अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन अच्छा, इसमें पैसा भी इन्वेस्ट होता है ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा भी लग ही जाता है, बट कोई बात नहीं। अच्छा एक और चीज, छोटी सी बात, जितने भी जून वाले बच्चे हैं उन सबको ये बुक उनके घर पे मिल रही है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो इंदौर वाले बच्चे हैं आप लोग, जैसा अभी अपन ने ग्रुप में भी डिस्कस किया, आप लोग कल आके कलेक्ट कर लेना, यू वुड बी गेटिंग दिस बुक्स बाय टुमारो इटसेल्फ। ठीक है, सो आप लोगों को मिल जाएगी। एंड आई जेन्युइनली वॉन्ट, मैं क्यों यहां पर बता रहा हूं ये बात, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आई जेन्युइनली वॉन्ट द फीडबैक ऑफ द बुक, बिकॉज आई हैड वर्क रियली हार्ड फॉर दिस बुक्स। आई कैन टेल यू दैट मैंने कितना समय लगाया है, बट आई वॉन्ट जेन्युइन, क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक फॉर दिस बुक। आई वॉन्ट दैट फॉर दिस बुक कि एग्जैक्टली कितना आपको मजा आया, क्या इसके अंदर जितना कंटेंट मैं बता रहा हूँ उतना है या नहीं है, या कुछ कंटेंट मिसिंग है। ठीक है, तो मैं तीसरी रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप सब लोग ले जाओ एक बार ऑफिस से एंड मुझे कल शाम तक बता भी दो क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट SM रिविजन वेरी सून। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट नोट्स को आप तक पहुंचाने के लिए रुका हुआ हूँ। वंस दिस नोट्स आर विथ यू, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि क्या आप लोगों को मजा आया एंड विल मूव इट। चलिए सरकार शुरू करते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग, जिसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के भी नाम से जानते हैं, उस टॉपिक के साथ। ठीक है सर, चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, हे गाइस, हे गाइस, सेट फ्रॉम किंचूर इंदौर, स्वागत नंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सर क्या होता है? इट इज नथिंग बट जस्ट कैपिटल बजटिंग, यानी हमें हमारे पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां पर नहीं इन्वेस्ट करना है, कैसे हमें इन्वेस्ट करना है, कौन सी मेथड हमें ज्यादा रिटर्न देगी, कौन सी मेथड हमें ज्यादा बेनिफिट देगी, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है NPV IRR। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि यार ये सब जो है एग्जाम्स के अंदर पूछी जाने वाली मेथड्स है, ज्यादातर इनके बारे में पूछा जाता है, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इफ यू नो अबाउट दिस थिंग्स इट विल बी बेहतर, इट विल बी बेस्ट फॉर यू गाइस। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग का टॉपिक है सर, क्या क्या बातें वाले, कितने प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं, साथ ही साथ क्या कैपिटल बजट जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये चीजें हैं। कौन कौन सी मेथड है, पे बैक पीरियड है, अकाउंटिंग मतलब ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है, NPV है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR है ना, चलिए मॉडिफाइड रेट, मॉडिफाइड IRR है, ठीक है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, डिस्काउंटेड पे बैक मेथड को भी हम लोग यहाँ पर काउंटिंग करने वाले हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं वो तो बोल रहा हूँ, उस दिन भी सर ये वाले टॉपिक यहाँ पे आना था, लेकिन कोई बात नहीं सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स टू मैक्सिमाइज। देखो सीधी सी बात है सर, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमें हमारे फंड्स को किस तरीके से मैनेज करना है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमें हमारे फंड्स को कितना अच्छे से कंट्रोल करके चलना है। देखो भाई हम क्या चाहते हैं कि हमारा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। अरे यार मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है यार, मेरे बैंक में पैसा सड़ रहा है, फट रहा है, धूल लग रही है मेरे पैसे को, बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, बताओ मैं क्या करूं सर? सीधी सी बात है, मैं पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करूंगा, देन मैं एस्टिमेट करूंगा कि भैया मेरा कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा आएगा, देन मैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। एग्जाम्पल के लिए जब आपने 12th पास करी, आपने सोचा CS भी कर सकता हूँ, LLM लॉ भी कर सकता हूँ, MBA भी कर सकता हूँ, CA भी कर सकता हूँ, CS भी कर सकता हूँ, यू हैड मल्टीपल चॉइसेस, करेक्ट? तो जो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस थी उसमें से एक चॉइस को आपने सिलेक्ट किया। हाँ सर, हमने उसमें से एक चॉइस को सिलेक्ट किया, उस चॉइस को सिलेक्ट करने को ही
इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं कि आपने डिसाइड किया कि सर आप कौन से मेथड में इन्वेस्ट करोगे, आपके पास 10 ऑप्शन हो सकते हैं, है ना, उसमें से डिसीजन लेना। चलिए सर, पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग, मैंने इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पर्पस क्या है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है और कितने समय में आ रहा है। लॉन्ग टाइम पीरियड भी हो सकता है, इरिवर्सिबिलिटी भी होता है और कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी होता है। देखो यार, आपने जो पैसा लगा दिया वो लगा दिया, वो वापस भी नहीं आएगा और सारे डिसीजन को आपको लेना पड़ता है। कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि कहाँ पर पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद इवेल्यूशन होता है कि अच्छा ये वाला प्रपोजल हमें इतना अच्छा लग रहा है, ये वाला पैसा हमें इतना दे सकता है, ये सारी चीजें होती है। फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि एक काम करते हैं, देखो यार हमको पैसा इन्वेस्ट करना है, 10 ऑप्शन है उसमें से हमने एक सिलेक्ट किया, फिर हम उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चालू करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चालू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अच्छा सुनो 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 सुनो, हम कंट्रोल देखते हैं कि भैया प्रोजेक्ट सही तरीके से जा रहा है, हम जो पैसा डाल रहे हैं एकदम डायरेक्शन में जा रहा है। आखिरी में हम रिव्यू करते हैं एंटायर प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो एंटायर थिंग इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट्स, ठीक है, एंटायर थिंग इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट्स। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम इवेल्यूशन करते हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आखिरी में हम रिव्यू करते हैं कि यार देखो यार ये हमने प्रोडक्ट सही किया या नहीं किया। अब कितने प्रकार की होती है, देखो दो प्रकार की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स एग्जिस्टेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस। एग्जिस्टेंट मतलब क्या कंपनी रिप्लेसमेंट कर रही है, यानी जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है क्या पुरानी मशीनों को पुराने इंसानों को रिप्लेस कर रही है, कंपनी और अपने धंधे को बढ़ा रही है या फिर कंपनी डाइवर्सिफाइड कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज कंपनी मान लो वीडियो लेक्चर के बिजनेस में है, कल को कंपनी टेस्ट सीरीज में भी आ रही है, तो इट इज एन डाइवर्सिफिकेशन, बुक्स में भी आ रही है, इट इज एन डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक्सपांशन में आना चाहिए। बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन मतलब हमने बोला यार काम करते एकाग्रता होटल चालू कर देते हैं, एकाग्रता के नाम से कपड़े बेचना चालू कर देते, तो हम डाइवर्सिफाइड भी कर सकते हैं। अब सिचुएशन के बेसिस पे क्या होता है सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन की भैया लेना ही पड़ता है, हमें कोई अर्जेंट में कहीं पैसा डालना ही पड़ेगा। एक्सेप्टेंस हम मतलब हम क्या कर सकते हैं सर, देखो देखना भी है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं, कंटिंजेंट डिसीजन ले सकते हैं, डिपेंडेबल ले सकते हैं। मतलब सर देखो हमारे डिसीजन लेने के ऊपर भी 3-4 चीजें ना, हमें लेना ही है डिसीजन, ठीक है, हम डिसीजन को लेंगे या नहीं लेंगे तो क्या होगा, हम डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, हम डिसीजन नहीं लेंगे तो क्या होगा। कुछ सर हमारे पास कंडीशंस भी होती है, सर कंडीशंस मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुन लो, आज की तारीख में अगर कोई बंदा एग्जाम्पल के लिए वीडियोग्राफर या वीडियोग्राफर छोड़ो कोडर है, जो इंसान कोड लिखते हैं, ठीक है, किसी कंपनी जो कोडर है, अब उनके लिए मजबूरी है एआई को पढ़ना, क्योंकि एआई भी क्या कोड लिख के दे रहा है क्या। हाँ सर, सबसे पहला एस्टिमेशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैश फ्लो, आप कैसे निकालते हैं, हम कैसे एस्टिमेट करते हैं। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, हमारा टोटल कितना पैसा बढ़ रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम्स एंड इटसेल्फ डज नॉट अफेक्ट द कैश फ्लो, क्या डेप्रिसिएशन से हमारी बैलेंस शीट को कोई फर्क पड़ता है क्या, टेक्निकली हमारे कैश, सॉरी बैलेंस शीट नहीं कहना चाहिए, क्या हमारे कैश को कोई फर्क पड़ता है क्या। नहीं सर, अरे भैया मेरी एक असेट से वो 1 लाख से डेप्रिशिएट हो या 1 करोड़ से डेप्रिशिएट हो, मेरी जेब को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे कैश को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यस मुझे उसे रिप्लेस करने के लिए फंड बनाना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, इट मस्ट बी कंसिडर एज टैक्स शील्ड। सर देखो डेप्रिसिएशन का सबसे अच्छा बात क्या है, टैक्स शील्ड। तुमको पता है लोग कार खरीदते हैं तो कंपनी के नाम पे खरीदते हैं, सच्ची बता रहा हूँ, आज लोग कार खरीदते हैं, मेरी ऑडी भी है वो कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तुमको पता है जितना मैंने ऑडी को चला के नहीं कमाया होगा ना, मतलब जितना होता है ना कि यार एक बड़ी गाड़ी चलाने से पैसा आता होगा ये सब बात है, तो जितना मैंने बड़ी गाड़ी घुमाने का फायदा नहीं उठाया ना, उससे ज्यादा मेरी बैलेंस शीट को फायदा हुआ है। मैं टैक्स इतना मतलब एक बार में मेरे को तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था, तो भैया 5-7 लाख रुपए का भी बेनिफिट मिल सकता है अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है, तो इतना बेनिफिट भी आपको मिलता है। दैट इज ऑब्जेक्टिव बट इज सब्जेक्टिव टू परसेंटेज, हर गाड़ी के ऊपर मतलब हर गाड़ी के ऊपर नहीं, गाड़ी के ऊपर कैप होती है अबाउट देयर सो मेनी मल्टीपल थिंग्स, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, हाँ सर डेप्रिसिएशन होगा तो हमारे लिए टैक्स शील्ड है, अगर हमारे पास कोई डेप्रिसिएशन नहीं है तो हमारा कैश फ्लो जो है, सुनना, हमारा प्रॉफिट है 25 रुपए का, ठीक है, लेकिन अगर डेप्रिसिएशन है तो हमारा प्रॉफिट कितने का है, 20 रुपए का। दिखने में क्या लग रहा है, मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, सुनो प्रॉफिट मतलब टैक्स। सर ये जो मैंने 10 रुपए का डेप्रिसिएशन काटा है, ये एक्चुअली में तो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, तो डेप्रिसिएशन क्या है, उस 10 रुपए के ऊपर मैंने टैक्स पे ही नहीं किया। सर एसएम कब स्टार्ट होगा बेटा, शुरू में मैंने बताया बेटा एसएम के बारे में बात कर रहा था मैं शुरू में, ठीक है एसएम के ऊपर ही बात कर रहा था बेटा मैं, एक बार सिर्फ माता जी एक बार भाई साहब देख लेना, ठीक है
सो भैया जी एक बात को समझने की कोशिश करेंगे सर, एक बात इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे सर, तो टैक्स से हमें फायदा होता है कि नहीं होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फॉरगेन ऑफ अ बेनिफिट। अरे सर तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं, तुमको पाया मैं खो गया, अब तुमको खोया है तो कुछ पाया हूं, तो किसी को खो कर किसी को पाने वाली चीज को अपन क्या कहते हैं सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एग्जाम्पल के तुम पढ़ रहे हो, अभी जॉब नहीं कर रहे हो ना बेटा, एसएमके में वैसे रिविजन में आपको बता देता हूँ, जानवी मैं तुम दो लोग एक बार सिंसेरिटी के साथ बता दो, क्या कल तुम्हारे पास बुक आएगी तो कल इवनिंग तक तुम रिव्यू करके बता सकते हो, मतलब एक बार नजर घुमा सकते हो? थोड़ा सा नजर घुमा के बता सकते हो? पक्की बात है? तो फिर मैं कल शाम को एसएम का रिवीजन अनाउंस कर दूंगा, क्योंकि एसएम का पूरा रिवीजन जो है वो इस चार्ट नोट्स के थ्रू ही होगा बेटा, ठीक है? एसएम के पूरे रिवीजन जो है वो इस चार्ट बुक के अंदर ही होने वाले, तो फिर मैं वो कल ही अपन उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। चलिए सर, एक होती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब जो जा चुकी है सर, जैसे मैंने आपको बताया था एडवोकेट की जो फीस होती है प्रॉपर्टी खरीदते समय, या फिर जो अभी तुमने फी, अच्छा चलो डोंट टेक इट रॉन्ग, मान लो कुछ भी हो सर, आपने आईसीए का रिजल्ट कुछ भी हो, आपने आईसीए की फीस भर दी, एग्जाम फीस भर दी, रजिस्ट्रेशन फीस भर दी, एक बार करके खत्म। तो कल 1:30 बजे आ जाना बेटा ऑफिस यार, एक बार तुम लोग आ जाना, एक तो भी मेरे पास हाथ में रखी है, दूसरी भी आप चिंता मत करो भी, मैं दो तीन प्रिंट करके रख दूंगा बस, ठीक है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? इनिशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट शुड बी ट्रीटेड एज कैश आउटफ्लो। जो शुरू में आपको वर्किंग कैपिटल, देखो एक बात समझो, मान लो मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए की, मशीन का सेटअप करने का, थोड़ा बहुत मार्केटिंग का, थोड़ी बहुत चीजों का, मान लो 1 लाख रुपए का और खर्चा है, 5 लाख रुपए मशीन, 1 लाख रुपए का छोटा मोटा खर्चा, हम मानते हैं 6 लाख रुपए गए, ठीक है? चलिए अलोकेटेड, हाँ एक बजा दो, अलोकेटेड ओवरहेड्स भैया अपन कॉस्टिंग के अंदर पड़ेंगे, एडिशनल कैपिटल कैश आउटफ्लो, जो आपको एडिशनल पैसा लगा वो क्या है बेटा? कैश आउटफ्लो। चलिए सर इनिशियल, अब सुनो सुनो सुनो, कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोस क्या होते हैं? सबसे पहली बात इनिशियल कैश फ्लो मतलब फ्रेश प्रपोजल, सुनो 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 सुनो, ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स ये आपका अमाउंट है, इंस्टॉलेशन हो या फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल हो, टोटल आपका जो कॉस्ट कितना हो गया है? 120 रुपए, ये है फ्रेश प्रपोजल। फ्रेश प्रपोजल मतलब क्या होता है? फ्रेश प्रपोजल मतलब आपने नई मशीन इंस्टॉल करी है, नया पैसा आप एक तरीके से लेके आ रहे हो। रिप्लेसमेंट में क्या होगा सर? रिप्लेसमेंट मतलब मैं पुराना बेचने वाला हूं, अब पुराना बेचूंगा कुछ तो पैसा मिलेगा ना मुझे, तो नए मशीन लाने का कितना? 100 रुपए, उसका सेटअप कॉस्ट कितना? 5 रुपए, और मेरा जो और वर्किंग कैपिटल बढ़ा वो 10 रुपए, टोटल खर्चा कितना हुआ सर? 115 रुपए, लेकिन पुरानी मशीन को बेचने में मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? 50 रुपए, एंड टैक्स एक्सपेंसेस यानी जो मैं टैक्स सेव करूंगा वो मैं कर रहा हूं 10 रुपए, तो टेक्निकली 115 रुपए खर्चा किया और 60 रुपए आए, तो मेरा नेट खर्चा कितने का हुआ? 55 रुपए इसका। आप बात समझ रहे हो? आप बात समझ रहे हो? मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि जब मैं किसी चीज को रिप्लेस करता हूं तो पुरानी असेट्स बेच के मुझे पैसा भी तो मिलेगा सर। बेसिस प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोस सर, सबसे पहले ब्लॉक ऑफ असेट्स डेप्रिसिएशन, मतलब इट मींस ग्रुप ऑफ असेट्स फॉलिंग विद इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ असेट्स। जैसे ग्रुप ए है जिसके अंदर 5 असेट्स आ रही है, ग्रुप बी है जिसके अंदर 3 असेट्स आ रही है, ग्रुप सी है जिसके अंदर 6 असेट्स आ रही है, तो इस पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर सेम डेप्रिसिएशन लगता है, मान लो 10%, 15%, 20%, जो भी आप डिविडेंड लगा रहे हो, अब किसी एक असेट के ऊपर नहीं लगा रहे, आप पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर लगा रहे हो, लेकिन लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक असेट बेचो? हाँ सर, तो वो भी पॉसिबल है, यस सर। चलिए सेल, चलिए एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिंसिपल सर, एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट इज इग्नोर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेस। हम लॉन्ग टर्म डेट को काउंट नहीं करते हैं। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स आर डीम्ड इररिलेवेंट इन कैश फ्लो एनालिसिस। सर सुनो 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 सुनो, ध्यान से समझेंगे सर, अगर मुझे बहुत लॉन्ग समय के लिए देना है तो क्या मुझे टैक्स बेनिफिट भी हो रहा है, मुझे 10 चीजें मिल रही है? हाँ सर, तो अपन उसको डायरेक्टली यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का मुझे टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो अगर मुझे इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सिखाया था कि सर अगर मेरे पास EAT है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, तो क्या उससे मैं EBIT निकाल सकता हूँ? हाँ सर, या मैं पूरा गेम खेल सकता हूँ? हाँ सर, तो भैया मैं अपने EBIT से ये सारी के सारी कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। सिंपल सी बात है,
अगर मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ तो मुझे उसमें टैक्स बेनिफिट होता है, ये हम सब लोग जानते हैं क्या? हाँ सर। अब सुनो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, दो तरह की मेथड है, नॉन डिस्काउंटिंग जिसे ट्रेडिशनल कहा जाता है, एक होती है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग मतलब हम आज की वैल्यू निकाल रहे हैं, डिस्काउंटिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग मतलब प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? तो नॉन डिस्काउंटिंग और ट्रेडिशनल मेथड मतलब क्या हो गया? पे बैक पीरियड हो गया। सर पे बैक पीरियड मतलब एक दो मेथड है, पे बैक पीरियड और ए आर आर। अच्छा डिस्काउंटिंग मेथड क्या होता है? एनपीवी, पीआई, आईआरआर, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले आते हैं नॉन डिस्काउंटिंग के अंदर, पे बैक पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल कॉस्ट आउटफ्लो, कितना समय मुझे लगेगा अपन, मैंने जो कॉस्ट लगाई है उसे रिकवर करने में। क्या बोला मैंने? कितना समय मुझे लगेगा जो मैंने कॉस्ट लगाई है उसे रिकवर करने में, ठीक है? कैसे हो जाएगा? सिंपल, टोटल इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन में एनुअल एक्सपेक्टेड आफ्टर टैक्स नेट कैश फ्लो। मतलब मैंने क्या किया सर, मैंने कितना पैसा लगाया अपॉन में मेरे जितना पैसा कमाया माइनस टैक्स कर दिया, ठीक है? ऐसे भी निकाल सकता हूं मैं, ठीक है? अब एक होता है, ठीक है, चलिए सुनना 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 सुनना, ये तो क्या हो गया सर, ये हो गया मेरा यूनिफॉर्म वाला, मतलब हर साल मेरा सेम पैसा आ रहा है। लेकिन क्या जब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ हर साल मुझे सेम पैसा मिलता है? नहीं सर। तो अब एक और मेथड होती है, सुनो ध्यान से, एनुअल कैश फ्लो मतलब अलग अलग पैसा आ रहा है। पहले साल मेरे को 80,000 रुपया है, दूसरे साल मेरे को 60,000 है, तीसरे साल मेरे को 60,000 है, चौथे साल मेरे को 20,000 रुपया है, मैंने इन्वेस्ट किया गया था 2 लाख रुपए, मतलब 3 साल के अंदर मेरा पैसा बाहर हो गया। सर पे बैक पीरियड मतलब सिंपल तरीके से मैं ये चेक कर रहा हूं कि मुझे पैसा कमाने में कितना समय लग रहा है, मैं जो पैसा कमा रहा, मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसे रिटर्न कमाने में मुझे कितना समय लगेगा, ठीक है? एकदम सिंपल। हाँ सर एकदम सिंपल। अच्छा पे बैक रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है सर? एवरेज एनुअल कैश फ्लो अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपके पास कि आपको अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपने पहले कितना पैसा इन्वेस्ट, मतलब एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो कितना मैं कमाऊंगा माइनस मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं। एग्जांपल, आप लोगों ने सोचा मैं कैमरा रेंट पे धोने की दुकान खोल देता हूँ, ठीक है? अब आपने दो कैमरे खरीद लिए, ध्यान से सुनना, अब जो आपने दो कैमरे खरीद लिए, सुनो ध्यान से, अब आपने जो दो कैमरे खरीद लिए, आपने कैमरा रेंट पे चलाना क्यों चालू किया? ताकि आपको पैसा मिले। अब आपको ये पता लगाना है कि मैं कैमरे को रेंट पे चढ़ाकर कितना कमा पा रहा हूँ, तो आप उसका बायबैक रेसिप्रोकल, पेबैक रेसिप्रोकल निकाल सकते हो कि कितने परसेंटेज मुझे ये फायदा दे रहा है, इससे आप निकाल पाओगे कि कितने समय में क्या हो रहा है, ठीक है? अब एक होता है एआरआर यानी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसका क्या होता है? एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट। भाई मेरी नेट इनकम कितनी है अपॉन में मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, एकदम सिंपल। हाँ सर एकदम सिंपल, ठीक है? एक होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट बेसिस, मतलब एवरेज एनुअल प्रोजेक्ट अपॉन में एवरेज इन्वेस्टमेंट। सर मेरा एवरेज कितना पैसा आ रहा है और मैं एवरेज कितना पैसा डाल रहा, बात खत्म, दिमाग नहीं लगाने का, एवरेज कितना पैसा आ रहा है और एवरेज कितना पैसा डाल रहा हूं, कुछ दिमाग नहीं लगाने का, कुछ नहीं सोचने का। एक होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर्स ऑफ इयर्स अपॉन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सर टोटल कितना प्रॉफिट कमा रहा? 1 लाख रुपए। कितने साल में कमा रहा? 5 साल में, मतलब 1 साल में कितना कमा रहा हूँ? 20,000 रुपए। 20,000 डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे तो मैं 20 कितना परसेंट कमा रहा हूँ मैंने पता लगा लिया। तो भैया टोटल प्रॉफिट, अब अच्छा टोटल प्रॉफिट निकाल दिया तो सर ये नेट हो गया ना, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगा ना। अब आपको डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर क्या होता है, सबसे अच्छी होती है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है? हाँ सर। देखो ये मेथड क्या बोलती है, ये मेथड सिंपल सी है, ये मेथड बोलती है कि सर अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर आज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो रिटर्न होना चाहिए आज के हिसाब से वो 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ सर, मेरा रिटर्न 1 लाख के ऊपर होना चाहिए। सर ऐसा कैसे होगा? देखो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ ऐसा कैसे होगा। मैंने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, हाँ सर, मैं 3 साल में कमाऊंगा, हाँ सर, 1 साल बाद मान लो मुझे 50,000 रुपए मिले, 50,000 की आज की वैल्यू, 2 साल बाद मुझे, दूसरे साल मुझे 80,000 रुपए मिले, 80,000 की आज की वैल्यू, तीसरे साल मुझे 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख रुपए की आज की वैल्यू। तो हर साल की आज की वैल्यू निकाल देते हैं। अब जब मैं हर साल की आज की वैल्यू निकाल देता हूं
इट इज नोन एज माई नेट प्रेजेंट वैल्यू. अब सुनो, अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करे और 1,01,000 भी कमा रहा हूं, ये बिजनेस मेरे लिए प्रॉफिटेबल है. और अगर मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करे और मैं 99,000 कमा रहा हूं, तो बंद कर दो धंधा, किसी काम का नहीं है. ठीक है, तो अगर मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो मैं क्या चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं, सिंपल सी बात को समझने की कोशिश कर, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग कमाएं, खत्म बात. हाँ सर, तो एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर देंगे. लेस देन जीरो होगा, हम प्रोजेक्ट को रिटर्न कर देंगे. ये सेम क्वेश्चन फाउंडेशन वाला है, मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर दिखाया भी था. ठीक है सर. हाँ सर, यहाँ तक की बातें क्लियर है. हाँ सर, एक होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. अरे भैया, सम ऑफ डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो, मतलब जितना भी पैसा आया उसका अपन ने सम कर दिया, अपॉन में इनिशियल कैश फ्लो. अब अगर अगेन मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा हूं, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा. अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूं तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा. सी व्हाट वी वांट, हम धंधा खोल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, दैट्स इट. इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. सर IRR मतलब IRR फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज द डिस्काउंटेड रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज विद द इनिशियल कैश आउटफ्लोज. मतलब ये बता रहा है सर हमारी कितनी इच्छा है कमाने की. ठीक है, IRR क्या बता रहा है सर, हमारी कितनी इच्छा है कमाने की. सर हमें 14% कमाना है. अब सुनना ध्यान से सुनना. आपने सोचा आप एक कैमरे का रेंट पे दोगे, तो आपने बोला मुझे कैमरा खरीदना पड़ेगा. कैमरा कितने का सर, कैमरा है मान लो 1 लाख रुपए का कैमरा आपने खरीदा. अब आपने इसे EMI पे लिया, यानी आपने इसे लोन पे लिया, तो आपने 1 लाख रुपए लोन पे लिए. ठीक है, लोन पे आपने कितने पे लिए, मान लेते 10% पे. ठीक है, अब आपकी कॉस्ट क्या है सर, हमारी कॉस्ट है 10%. अब सुनना, हम IRR में क्या निकालते हैं सर, मुझे कितना रिटर्न चाहिए. सर मुझे रिटर्न चाहिए 15%. क्या ये मुझे मिल पाएगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मैं कितना परसेंटेज पैसा चाहता हूं. IRR फॉर एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज अ डिस्काउंटेड रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज विद द इनिशियल कैश आउटफ्लोज. हमारी कितनी इच्छा ही हमें पता लगा. हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा IRR का मतलब क्या है सर, ये मेरे ओवरऑल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए. तो IRR इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ CI इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओवरऑल कॉस्ट आउटफ्लो, सॉरी, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. मतलब क्या है सर, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि मैं देखो ओवरऑल हम क्या चाहते हैं, हम प्रॉफिट में रहना चाहते हैं. हमारी एक ही इच्छा है कि हम प्रॉफिट कमाएं. अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं इट इज ऑलवेज बेहतर फॉर अस. ठीक है, हाँ सर. अच्छा एक सेकेंड, क्या IRR की सिर्फ मेथड बता देता हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होता है. ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे. अ कंपनी इशू 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 rupees ईच ऑन दिस डेट, मैच्योर्ड होंगे यानी 5 साल बाद. द कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट, करंट कॉस्ट कितनी आ रही है. सुनो ऐसे में अपन क्या करते हैं, सर मेरे पास 80 रुपए थे, हर साल मैं 6.5 rupees दे रहा हूँ और 5वें साल मुझे 100 रुपए वापस करने हैं, क्या मैं डिस्काउंटेड फैक्टर का अजम्पशन करता हूँ क्या. हाँ सर, हम डिस्काउंटेड फैक्टर का अजम्पशन करते हैं. एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, बोलो याद आ रहा है क्या. हाँ सर, तो हम 2 डिस्काउंटेड फैक्टर्स का अजम्पशन करते हैं, उसके बाद हम IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं. सर इट इज नथिंग बट जस्ट, आप इसको फॉर्मूले में भी कह सकते हो. अपन ने डायरेक्ट पढ़ा था पहला वाला परसेंटेज प्लस हमने जो है कितने रुपए का सर वो लिया, सर पहला वाला परसेंटेज प्लस दोनों परसेंटेज में कितना गैप है अपॉन में टोटल दोनों में हमारा अमाउंट कितना रहा है इनटू छोटा वाला. सर देख लो क्या किया, 10. ठीक है, आप देख सकते हो. ठीक है, 10 प्लस दोनों का डिफरेंस कितना है 5 अपॉन में इन दोनों का सम कितना है इनटू में 6.63, दोनों का सम मान लेते हैं 15 रुपए आ रहा है. तो अपन क्या कर रहे हैं सर, ध्यान से देखना, दिस प्लस इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय इन दोनों का सम इनटू में ये अमाउंट. तो हम लोग क्या चाहते हैं सर, IRR में री इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टीपल IRR होते हैं. हाँ, अब इसमें से एक चीज समझो, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा पैसा सही हो. अब इसे आप देख सकते हो,
लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट अपॉन में नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। देर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज, देर आर मल्टीपल मेथड। देखो रिश्ता वही सोच नहीं, फाइनल आंसर उसी को घुमा के आने वाला है, इसके अलावा और कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात रखना, आईआरआर हम अजम्पशन करते हैं, हमें आईआरआर देके नहीं रखा होता, ठीक है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड क्या होता है सर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगा रहे क्या? हाँ सर, कि कितने समय में हम पैसा वापस कर देंगे। ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओवर द कैपिटल, कितने साल में हम पैसे को वापस कर लेंगे। मान लो आप एक धंधे में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। आपने 50 लाख रुपए एक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे, तो जैसे ही आपने 50 लाख इन्वेस्ट करे, आपकी सबसे पहली थॉट प्रोसेस होती है कि सर ये पैसा मेरे पास वापस कैसे आएगा। अगर वो पैसा आपके पास वापस आ गया, मान लो 5 साल लगेंगे, मान लो 8 साल लगेंगे, मान लो 10 साल लगेंगे, यही हम पता लगा रहे हैं। समझ में आया क्या? बोलो, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलो डन, आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोगों को पढ़ा हुआ बेटा, आईआर वगैरह सब ने किया हुआ। अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे अपन चीजों को समझने के लिए, ठीक है। एक बड़ा सा क्वेश्चन अभी अपन करेंगे चीजों को समझने के लिए। पे बैक पीरियड में हमें पता है सर, एआरआर पे आ जाते हैं, एवरेज एनुअल नेट इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अपन इसी को कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो गाइस, आर वी गुड टू गो फॉर वन बिग क्वेश्चन? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलो लेट अस बिगिन विद वन क्वेश्चन गाइस, लेट अस बिगिन विद वन क्वेश्चन गाइस। चलो, क्योंकि असली मजा क्वेश्चन के साथ आता है, ठीक है। सबके साथ का पता नहीं, यार मेरी जो चार्ट बुक टाइम खा रही थी ना यार, वो एक्चुअली पता है आज खत्म हुई है यार, इसलिए मैंने आज ग्रुप में मैसेज डाला, इसीलिए आज तुम लोगों को पूरी बुक दिखाई यार। चार्ट बुक रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम ब्रो, चार्ट बुक रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम, इट टुक मी लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम टू जस्ट गो थ्रू विद द चार्ट बुक ब्रो। आई कांट इवन टेल यू हाउ मच टाइम वी नीड इट। चलो एक सेकेंड गाइस, पर मजा आया यार, मजा आया यार। चार्ट बुक जब रेडी हुई फाइनली हाथ में आई ना, जो खुशी हुई ना यार, आई कांट टेल यू दिस, बट ठीक है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कुछ पाकर ही कुछ खोना पड़ता है बेटा, और पाके खोने वाले को ही पाखी कहते हैं। चलो लेट अस बिगिन गाइस, लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करोगे तुम लोग सब लोग? क्या सब लोग ट्राई करेंगे क्या एक बार जल्दी से? जस्ट गिव मी वन सेकेंड गाइस, इसके बाद मैं एक मस्त बड़ा क्वेश्चन लेके आता हूं, इसके बाद आई विल ब्रिंग वन बिग क्वेश्चन गाइस, ठीक है। चलो जल्दी से सॉल्व करेंगे एक बार, जल्दी से एक बार सब लोग ट्राई करेंगे गाइस। मैं आईआरआर का क्वेश्चन लिख आता हूं, तुमसे क्या हो गया इसको यार, इंटरनेट क्यों अटक गया भाई? आ गए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार जल्दी से।
जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दो। चलो यह सॉल्व किया गया ये वाला क्वेश्चन, चलो सॉल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन, सॉल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन। भाई एक बार जल्दी बोल दो यार, सॉल्व कर रहे हो कि मैं करवा दूं? यार मुझे से इतना बता दो कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो या मैं करवा दूं। एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रहे, एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रहे हैं। चलो करूं, मैं चालू करूं, मैं चालू करूं फिर। चलो शुरू करें फिर, आ जाओ अब एडजस्टमेंट के साथ शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। चलिए, पी क्यू आर लिमिटेड कंसिडरिंग बाइंग अ न्यू मशीन विच वुड हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। ठीक है, 5 साल चलेगी वाली मशीन, 5 साल तक चलेगी। एट कॉस्ट ऑफ 40 लाख एंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ बीइंग 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए बिक जाएगी। विद 80% ऑफ द कॉस्ट बीइंग पेबल एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड 20% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है सर, द मशीन वुड प्रोड्यूस 80,000 यूनिट्स पर एनम ऑफ अ न्यू प्रोडक्शन विद इन द एस्टिमेटेड प्राइस वुड बी 400। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल मशीन वो कितने का करेगी, ग्रोथ कितने का करेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 975 रुपीज पर यूनिट एंड ठीक है, 400 रुपीज़ का अपना है जिसमें से बचे 25 रुपये। एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस वुड बी 10,40,000 पर एनम। ठीक है भैया, इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड ईयर स्पेशल सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कॉस्ट वुड बी इनकर्ड अमाउंटिंग 1,25,000 एंड 1,75,000 रिस्पेक्टिवली। इवेल्युएट द प्रोजेक्ट द एनपीवी मेथड, ओ हो वाओ, ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अज्यूमिंग द कंपनी कॉस्ट ऑफ द कैपिटल वुड बी 12%। अरे कुछ भी नहीं करना, जहां एनपीवी आ गई वहां दिमाग नहीं लगाना होता। ठीक है, जहां पर एनपीवी आ गई आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। चलिए सर आइए समझते हैं। कुछ भी नहीं करना, ठीक है, अब समझते हैं। पहले अपन अपना नॉर्मल तरीके से समझते हैं। अच्छा टोटल कॉस्ट कितने की है सर? टोटल कॉस्ट है हमारी, पहले दो तीन चीजें बताओ मेरे को जल्दी से। टोटल कॉस्ट कितने की है सर? टोटल कॉस्ट है हमारी, सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने आपसे पूछा था तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जिसके अंदर अपन ने वो हटा दिया, तो 375। सुनो नो सुनो सुनो सुनो, 400 रुपये का बेच रहे हो, 375 रुपये आपके लग रहे हैं इंटू 80,000 यूनिट आप हर बार बना रहे हो। ठीक है, तो 400 माइनस 375 इंटू 80,000 हमारा ये हो गया 20 लाख रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में हमें क्या कहा गया है सर? फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में कहा गया है कि हमारा जो भी टोटल कॉस्ट है वो है 10,40,000 रुपये का हमारा कॉस्ट है। इसके साथ ही साथ भैया मुझे एक और बात बताओ, हमारी मशीन कितनी की है सर? सर हमारी मशीन है 40 लाख रुपए की। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5 लाख रुपए, मतलब ये भी तो हमारा खर्चा है। ठीक है, तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है सर? देखो हमें फिक्स्ड कॉस्ट पहले ही बता दिया गया है
कि 10,40,000 रुपए की हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, इसमें से आप क्या कर रहे हो सर, 40 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी है, जो कि आपका 5 लाख रुपए आपको आखिरी में मिलेंगे, तो टोटल 35 लाख रुपए की मशीन पड़ी आपकी, जो 5 साल में डिवाइड हो जाएगा। तो 40 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 लाख 40,000। या एक काम करें क्या, एक काम करें क्या, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो भैया अच्छा, इसके अंदर तो वो भी आ गया ना, मेरा सारी चीज आ गई ना बेटा, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, मेरे को फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी क्या? हाँ सर, मुझे फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं फिक्स कॉस्ट नहीं निकालूंगा तब तक मेरे लिए कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट तो अपने को निकालनी पड़ेगी। अब बताओ मुझे फिक्स कॉस्ट कैसे निकालें। सर डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 375, एक सेकेंड, डायरेक्ट कॉस्ट वुड बी 375 पर यूनिट, एंड एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन स्ट्रेट लाइन वुड बी 10,40,000 रुपये का क्या मेरा एनुअल फिक्स कॉस्ट है। सर ये तो कन्फर्म है कि ये तो होना ही है, इसके अंदर कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब आते हैं पहले एक सेकंड कैलकुलेशन के ऊपर, फिर मैं आता हूँ आपको इसकी पूरी कैलकुलेशन के ऊपर। चलिए सर, हम पहले से ईयर वाइज डिवाइड करते हैं, फिर हम नेट कैश फ्लो देखते हैं, क्या पैसा आया क्या पैसा गया, फिर अपन निकालते हैं डिस्काउंटेड फैक्टर एट 12%, फिर अपन इसके निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। मुझे सिर्फ एक बार बताओ, मैंने असली पैसा, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, पता है क्या, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, आओ मैं बताता हूँ क्या। सुनो 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 सुनो, इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। सर डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकते आप? क्योंकि पहले साल मेरा कितना पैसा गया। ओहो ठीक है, अब देखना, ठीक है, ईयर यह आया इसका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, यह आया इसका अपना, ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, यह है मेरा कंट्रीब्यूशन। देखो देखो देखो, कंट्रीब्यूशन, और ये आया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है, जो मुझे सब कुछ दे के रखा है, ठीक है। अभी निकालेंगे अपन, सब निकाल लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। ये आया मेरा जो मैंने प्रमोशन के ऊपर खर्चा किया वो आया, और आखिरी में आ गया मेरा नेट कैश फ्लो, ठीक है, नेट कैश फ्लो। अब मुझे से इतना बताओ, मैंने पैसा दिया तो 2 बार ही ना सर, मैंने एक बार कितना दिया सर, यहां पर दिया मैंने 32 लाख रुपए, पहले आज 32 लाख रुपए दे रहा हूं, एक साल बाद 8 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। अब ये तो आज ही के 32 लाख है, तो 32 लाख तो मेरा 32 लाख हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है, 32 लाख तो मेरा 32 लाख हो गया, अभी 8 लाख है। अब और भी कुछ कहा गया है क्या सर, कुछ कहा गया है क्या सर? मुझे कंपनी के आखिर में मिलेंगे 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए मुझे मिलेंगे, वो तो उसी दिन की वैल्यू है ना, ठीक है सर। हाँ सर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे यहां पर प्रमोशन के बारे में कहा गया है क्या सर? प्रमोशन के बारे में कुछ कहा गया है, इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर मैं 1,25,000 और 1,75,000 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, एक लाख, अरे फर्स्ट ईयर है सर, 1,25,000 रुपये और 1,75,000 रुपये कर रहा हूँ, बोलो हाँ है ना। सबसे बड़ी कहानी कहाँ क्या अटक गई? डेप्रिसिएशन के ऊपर। अब डेप्रिसिएशन की मेरी कहानी मेरे मुंह से सुनो ध्यान से जल्दी से, ठीक है, मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझाता हूँ, एक सेकेंड, करेक्ट। हाँ सर सुनो मेरी बात, 40 लाख माइनस 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 70 लाख रुपए, सॉरी 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए का खर्चा तो मेरा डेप्रिसिएशन का है। अब इसने क्या कहा, 10,40,000 रुपए का आपका टोटल खर्चा है, माइनस 7 लाख रुपए तो मुझे पता है मेरा डेप्रिसिएशन का खर्चा है, तो मेरा नेट खर्चा कितने का है? 3,40,000 रुपए का। सर ये मेरा पैसा जा रहा है ना बेटा, हर साल में कितने का खर्चा कर रहा हूँ? 3,40,000 रुपए का। क्यों सर ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें दे के रखा था कि जो 10,40,000 रुपए है सर, 10,40,000 के अंदर तो सब कुछ इंक्लूडेड था ना, 10,40,000 रुपए के अंदर तो सब कुछ इंक्लूडेड था, क्या उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी था? हाँ सर, डेप्रिसिएशन मेरा कैश लॉस थोड़ी ना, तो मैं उसको हटा देता हूँ, डेप्रिसिएशन मेरा कैश लॉस थी ना, मैं उसको हटा देता हूँ, तो मैंने डेप्रिसिएशन को हटा दिया,
ठीक है, मैंने डेप्रिसिएशन को हटा दिया। अब जैसे ही मैंने डेप्रिसिएशन को हटाया, मैंने एकदम रिलैक्स हो गया। हाँ सर, अब मेरा नेट कैश फ्लो कितना है? अरे भाई साहब तो निकाले नहीं, 8 लाख प्लस मेरा, एक सेकंड रुको रुको, मैंने एक कॉलम निपटा दिया। अरे एक सेकंड, मैंने एक गलती कर दी, मैंने इसके अंदर वो तो डाले नहीं यार। सुनो 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 सुनो, एक सेकंड रुक जाओ गाइस, सिर्फ एक सेकंड दे दो, एक गलती हो गई इसके अंदर जो हमारा, एक सेकंड होल्ड करो बस, जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस, ठीक है, जस्ट गिव मी वन सेकंड गाइस। एक चीज रह गई, ठीक है, यहां पर आएगा नेट कैश फ्लो, ठीक है। एक चीज तो हमने यहां पर डिस्कशन नहीं करी, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि अपन ने निकाला तो था, हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है? ओ भाई, जो हर बार मुझे वो भी तो डालना पड़ेगा पैसा, मेरा कंट्रीब्यूशन तो डालना पड़ेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज, बोलो बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी एंड कीप्स ऑन गोइंग, डिपेंड करता है आप क्या निकाल रहे हो। सर 20 लाख रुपए का मेरा हर साल का, वो भी तो है, हाँ सर 20 लाख रुपए का आपका हर साल का कॉन्ट्रीब्यूशन का भी खर्चा है, हम उसे भूल नहीं सकते। अब मेरा टोटल कैश आउटफ्लो निकलेगा, ठीक है, अब जाके मेरा टोटल कैश आउटफ्लो निकलेगा, ठीक है। तो ये तो 32 का 32 रहेगा, हाँ सर ये तो 32 लाख का 32 लाख ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी हो गया मेरा 8 लाख का जो है वो मेरा वो हो गया, ठीक है। अरे यार मैंने इस पे ही क्यों कर दिया, क्या हो रहा है आज, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। आठ लाख गए प्लस 340 गए प्लस 125 गए माइनस 20 लाख आए थे ना बेटा, तो गया 7,35,000 रुपए, 3,40,000 गए, 175 गए माइनस 20 लाख आए मान लो 14,85,000 रुपए। आपको इसको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 20 लाख माइनस 3,40,000 रुपए, ये ज़्यादा इजी है, 16,60,000 रुपए नेट मेरे पास आए, ठीक है, 16,60,000 रुपए नेट मेरे पास आए। भाई तो सब सेम ही हो जाएगा ना, फिर ये भी सेम हो जाएगा, 16,60,000 रुपए मेरे पास आए। यहाँ पर क्या हुआ, 20 लाख भी आए प्लस 5 लाख भी आए माइनस 3,40,000 गए, 21,60,000 रुपए, करेक्ट, कोई डाउट यहां तक नहीं। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, कैश फ्लो कितना है सर, ये बात करते हैं। 32 लाख गए, ठीक है, 7,35,000 रुपए आए, ठीक है, 14,85,000 रुपए आए, 16,65,000 रुपए आए, 16,60,000 रुपए आए, 21,60,000 रुपए आए। अब इन सर का फैक्टर निकालना है, ये तो वन ही होगा, ठीक है, अब 1.12 डिवाइड इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.8928 इक्वल्स टू 0.979, सॉरी क्या है, 7971 इक्वल्स टू 0.7117 इक्वल्स टू 0.6355 इक्वल्स टू 0.5674, ठीक है। अब क्या करूंगा, 32 लाख का तो 32 लाख तो गए ही थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है,
अब जो 7,35,000 मिले इंटू 0.8928, उसकी आज की वैल्यू क्या है? उसकी आज की वैल्यू है 656,208 रुपए। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ी सी जगह दे दो मेरे को। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने पहले ही वाला पेज बना दिया ना, थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने टेक्निकली, बट ठीक है चलिए। और 14,85,000 रुपये जो मुझे मिलने थे 2 साल बाद, उसकी आज की वैल्यू क्या है बेटा? उसकी आज की वैल्यू है 11,83,693। ठीक है, अब 60,60,000 रुपये जो मुझे मिलने थे उसकी आज की वैल्यू क्या है? 0.7117। 11,81,422 रुपये। जो 16,60,000 रुपये मुझे मिलने थे 4 साल बाद, उसकी आज की वैल्यू क्या है? सर उसकी आज की वैल्यू है 10,54,930 रुपये। 21,60,000 रुपये जो है उसकी आज की वैल्यू क्या है? 0.5674। उसकी आज की वैल्यू है 12,25,584 रुपये। ठीक है, टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं सर? 53 लाख रुपए हैं, माइनस 32 लाख जो मैंने दिए थे। मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 21,01,837 रुपए। बोलो भाई, कोई डाउट? बोलो बेटा। कोई डाउट? हाँ, समझ में आया पूरा क्वेश्चन। तो पहले अपने को ये निकालना पड़ा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। जब मेरे पास ये अमाउंट आया कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है, तब जाके मैं आइडेंटिफाई कर पाया, तब जाके आया मेरे बेटे ने दिल को ख्याल। समझ पा रहे हो क्या? मतलब मैं तब तक कुछ नहीं कर पा रहा था जब तक मुझे यही नहीं बता था कि मेरा कितना पैसा आएगा या कितना पैसा जाएगा। द मोमेंट आई कम टू नो कि अच्छा मेरे पास इतना पैसा आएगा या इतना पैसा जाएगा, तब जाके समझ में आया ठीक है भैया। बोलो बेटा, डन है क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बोलो लाला, कोई सवाल, कोई जवाब, कोई कहानी, कोई किस्सा? कोई सवाल, कोई जवाब, कोई कहानी, कोई किस्सा? डन है? तो आगे बढ़े लाला। चलो एक काम करो, आगे आप ट्राई कर लोगे क्या? आज इंटरनेट बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, सो जस्ट गो थ्रू इट वंस गाइस, जस्ट गो थ्रू इट वंस। जितना भी आपको करवाया है एक बार सिर्फ नजर घुमा लो इन सब के ऊपर, ठीक है? एक बार सिर्फ नजर घुमा लो इन सब के ऊपर, यू वुड रियली लव इट। ठीक है, एक बार सिर्फ नजर घुमा लो इन सब के ऊपर एंड यू वुड जस्ट सिंपली लव इट, ट्रस्ट मी, आपको मजा आ जाएगा। एंड एक बार सिर्फ क्वेश्चंस घुमा लो, ठीक है? चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।